गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यानी हार्ट के इंटरनली स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे कि किस प्रकार से हार्ट का चित्र बना सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर का, और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। तो अभी हम लोग आज केवल और केवल पढ़ेंगे उस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की अगर बात करें, थोड़ा सा पहले हार्ट के बारे में जान ले, ह्यूमन हार्ट के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जो ह्यूमन हार्ट होता है, ये अगर एक वयस्क मनुष्य की बात किया जाए तो इसका जो वेट होता है लगभग 300 ग्राम भार का जो है हार्ट होता है, मुट्ठी के बराबर होता है। मीन्स लगभग 12 सेंटीमीटर जो है ये लॉन्ग होता है, और लगभग जो है 9 सेंटीमीटर जो है ये थोड़ा सा क्या नाम है चौड़ा ब्रॉड होता है, और जो है 6 सेंटीमीटर लगभग जो है ये थिक होता है, मोटा होता है। तो ये तो थी इसके बारे में कि जो हार्ट होता है वो हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है। जो हार्ट होता है वो लगातार स्पंदनशील बना रहता है, तो उसके बारे में बाद हम लोग बात करेंगे जब हम लोग वहां पर ब्लड ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर केवल हार्ट पढ़ते हैं। देखिए हार्ट में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, पहले उनको फिगर बना लेते, उस फिगर को समझ लेते हैं। ठीक है, फिगर बनाने के लिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि फिगर कैसे बनता है। बहुत ही आसान सा फिगर, इसका थोड़ा तिरछा होता है, ध्यान है कि तिरछा ही होता है। ये छोटा सा तो ये इस तरह से एक छोटा सा और संरचना बना जाएगा। बहुत ध्यान से देखेंगे कि बड़ा आसान सा है, ये लगभग उसी के बराबर में हो, ये यहां पर छोड़ करके फिर से एक बना लेंगे। अब इसको केवल डबल कर देंगे, छोड़ देंगे, फिर एक तो थोड़ा तिरछा होता है, मुट्ठी की आकृति का होता है, ये बन गया। अभी यहां से एक जो है आर्टरी, वो क्या नाम है, वेन, सुपीरियर वेन और इंटीरियर वेन, ठीक है, उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा, यहां से थोड़ा सा इसको कर देते हैं। यहां अर्धचंद्र का कपाट पाया जाता है, ठीक है, यहां से दो पार्ट में कर देंगे। इस तरह से ये जो गया है इसको भी यहां से उठा देंगे, एक दो तीन, ये इधर से लाएंगे, यहां से उसको निकाल देंगे, ये यहां ले गए, ये यहां पर आ गया, एक इधर से और आ लाएंगे और इसकी ओपनिंग यहां कर देंगे, इसकी ओपनिंग यहां कर देंगे, इसकी ओपनिंग यहां, एक ओपनिंग यहां, एक ओपनिंग यहां, और एक छोटा सा गहरा सा गड्ढा गुंबद संरचना यहां पर पाया जाता है। कुछ एलवी मसल इसमें जो है लगा देंगे, तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका नॉमिनेशन कर देते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। सबसे पहले इस भाग की बात करें तो इसको कहते हैं सुपीरियर वेन ऑफ केवा, सुपीरियर वेन ऑफ केवा, इसको कहते हैं क्योंकि राइट साइड को अगर से खड़े होंगे तो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड, तो राइट कहेंगे इसको, राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये अपवाद है, इसको कहेंगे यहां से ब्लड जा रहा है, इसमें से ब्लड आ रहा है, इसको कहेंगे राइट पल्मोनरी वेन, ठीक, इसको यहां पर ओपनिंग ऑफ, ओपनिंग ऑफ सुपीरियर
वेन ऑफ द हार्ट कहेंगे। इसको यहां पर जो है इसको यहां पर एक थोड़ा सा सेमी सर्कुलर होता है, इस तरह से सेमी सर्कुलर यहां पर होता है, इसको यहां पर एस ए नोड कहेंगे। ये जो यहां पर होता है, पहले हम इसको समझ लें, इसको कहते हैं राइट आरिकल या एट्रियम, ठीक है। अब इसको यहां पर जो होता है, इसको यहां पर कहते हैं जो यहां पर कोरोनरी साइनस छिद्र होता है, इसको कहते हैं ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा। इधर का जो होता है इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, तीन त्रिकपट्टी वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये जो होता है इसको कहते हैं लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, और ये जो निकला है इसको कहते हैं इंफीरियर वेना कैवा। अब इसके बारे में समझाएंगे थोड़ा सा। ये जो होता है इसको यहां पर पेरिकार्डियम कहते हैं, जो आवर पाया जाता है पेरिकार्डियम आवर पाया जाता है, यानी एक पेरिकार्डियम आवर से घिरा होता है। ये जो होता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये एलवी मसल्स हैं, एलवी मसल्स इसको कहते हैं, इसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, द्विवल्ली का पार्ट कहते हैं। इसको जो है लेफ्ट आरिकल कहते हैं, और ये एक ओपनिंग इसकी होती है, जिसको हम कह सकते हैं यहां पर लेफ्ट पल्मोनरी वेन, इसको कहेंगे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, इसको कहेंगे एओर्टा, एओर्टा कहेंगे। ये जो होता है इसको कहेंगे पल्मोनरी आर्ट। तो ये इतने पार्ट लगभग इसमें पाए जाते हैं, तो इसको समझेंगे होता क्या। देखिए ये सुपीरियर वेना केवा होता है, ये हमारे हृदय के ऊपर के जो ब्लड होते हैं उसको लेकर के हमारे हृदय जाता है। इंफीरियर वेना केवा हार्ट के नीचे से ब्लड को हृदय में ले जाता है, और जो कोरोनरी साइनस होता है ये स्वयं हृदय के अशुद्ध रुधिर को हमारे जो है इस राइट आर्टिकल पहुंचाते हैं, यानी इसके द्वारा भी अशुद्ध रुधिर आता है, इससे भी अशुद्ध रुधिर आता है, और इस पल्मोनरी जो साइनस है इस पल्मोनरी साइनस के द्वारा भी जो है अशुद्ध रुधिर हमारे राइट आर्टिकल में पहुंचता है। राइट आर्टिकल या राइट एट्रियम भी बोल सकते हैं, दाएं अलिंद में प्रवेश करता है। इस दाएं अलिंद से जो है इस यहां पर देख रहे कपाट लगा हुआ है, इस पर ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू होते हुए एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, इसके थ्रू जो ब्लड होता है इंप्योर ब्लड वो पहुंचता है जो है राइट वेंट्रिकल में। इस राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्क से होते हुए ये दो शाखाओं बढ़ जाता है, जो रुधिर होता है शुद्ध रुधिर एक चला जाता है राइट जो है पल्मोनरी आर्टरी में, और एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में, और ये चला जाता है हमारे लंग्स में जहां पर उसका प्योरिफिकेशन होता है, रुधिर का शुद्धिकरण होता है, फिर वापस जो है एक लेफ्ट पल्मोनरी वेन और एक राइट पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है जो शुद्ध रुधिर है जो प्योर ब्लड है वो शुद्ध रुधिर हमारे आता है लेफ्ट आर्टिकल में, लेफ्ट एट्रियम में बाय अलिंद में आता है। इस बाय अलिंद से जो है एक बाइकस्पिड वाल्व होता है, ये बाइकस्पिड द्विवल्ली का पार्ट, यहाँ पर दो वल्ले पाया जाता है, ये द्विवल्ली का पार्ट के थ्रू जो है जो शुद्ध रुधिर है वो शुद्ध रुधिर हमारे जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और उसके बाद यहां से तो महाधमनी से होते हुए यह जो है शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। इसमें जो कपाट होता है, इस कपाट का एक काम होता है ये रुधिर को एक दिशीय प्रदान करता है, रुधिर को वन डायरेक्शन फ्लो में जाने को प्रेरित करता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, जिससे कि वापस इसमें की ओर जो है न जाने पाए, तो उसको रोकने का कार्य यहां पर ये करता है, ठीक है।
और इसके अलावा इसके ऊपर जो आवरण पाया उसको हम पेरिकार्डियम आवरण कहते हैं। पेरिकार्डियम आवरण से जो हमारा हृदय होता है घिरा होता है, तो देख सकते हैं हमारा जो हृदय है वो चार कक्षों बटा है, दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय। हम इसको अगर हार्ट को बांट करें तो हार्ट दो भागों में बटा होता है। अगर हार्ट को हम पार्ट्स ऑफ हार्ट की बात करें तो एक चैम्बर ऑफ हार्ट से तो चार कक्षों बटा है, लेकिन अगर पार्ट्स ऑफ हार्ट की बात करें तो जो हमारा हृदय होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है यहां पर पल्मोनरी हार्ट होता है, पल्मोनरी हार्ट, और दूसरा जो होता है सिस्टेमिक हार्ट होता है, सिस्टेमिक हार्ट होता है। देखिए दोनों में अंतर क्या है, पल्मोनरी हार्ट इसमें से कौन सा है, यानी ऐसा जो हार्ट का भाग चैम्बर में जो भी हार्ट चैम्बर है इस हार्ट में जो हमारे सीधे सीधे जो है पल्मोनरी भाग से जुड़े हैं उसको हम पल्मोनरी हार्ट से कहेंगे, और जो हमारे शरीर से भाग से जुड़े हैं उसे दैहिक हृदय कहेंगे। तो ध्यान से देखिएगा यहां पर ये जो पहला राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल इस पल्मोनरी भाग से जुड़ा है, कहां जा रहा है, ये जा रहा है लंग्स में, यानी ये जुड़ा है, और लंग्स से जो रुधिर आ रहा है वो उससे कौन जुड़ा है, ये जो है लेफ्ट आर्टिकल, यानी कह सकते हैं कि जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टिकल होता है ये दोनों जो है पल्मोनरी हार्ट है क्योंकि हमारे लंग्स से जुड़े हैं, जबकि ये अशुद्ध रुधिर यहां शरीर से अशुद्ध रुधिर इसमें आ रहा है और फिर यहां से शरीर से जो शुद्ध रुधिर है वो शरीर में जा रहा है, यानी कि राइट जो राइट आर्टिकल है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसको हम लोग दैहिक हृदय कहते हैं, सिस्टेमिक हार्ट कहते हैं। तो इस तरह से हृदय में दो भाग होते हैं, एक पल्मोनरी हार्ट, पल्मोनरी हार्ट में कौन कौन होता है, एक राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट आर्टिकल, और इसमें कौन कौन से आता है, राइट आर्टिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये इसमें हमारे दो पार्ट होते हैं, एक पल्मोनरी हार्ट और एक दूसरा सिस्टमिक हार्ट। तो ये था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड अगले वाले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।